कहानी मेरे ही जिले की है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले बलरामपुर का रहने वाला हूं। मेरे पड़ोसी जिलों का नाम गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर है। आप जब बलरामपुर से श्रावस्ती जाने लगेंगे तो उसके बीच में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है। मैं यहां किन्हीं कारणों से उस जगह का नाम मेंशन नहीं कर सकता। उस जगह पर आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। पेपर में छपे कुछ रिपोर्ट को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्वेंटी से आज तक करीब 50 लोगों की मौत इसी जगह पर सड़क दुर्घटना की वजह से हो चुकी है। गांव वाले बताते हैं कि इस जगह पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। वह जानवर, गाड़ी या और किसी का भी रूप आसानी से ले सकती हैं। ज्यादातर एक्सीडेंट में सुनने को आया है कि उनके सामने अचानक से कोई जानवर या कुछ ऐसी चीज आ जाता है जिसकी वजह से वहां एक्सीडेंट होती है। मैंने जब इस बारे में थोड़ी गहरी तहकीकात की तो मुझे एक आदमी के बारे में पता चला जिसका भी एक्सीडेंट उसी जगह पर हुआ था। वह बताता है कि मैं कुछ काम से शहर गया था। लौटते वक्त रात काफी हो गई थी। मैं अपने मोटरसाइकिल से उसी रास्ते अपने गांव को लौट रहा था। सड़क पर बस मेरी ही गाड़ी दिख रही थी। मैं उस कस्बे के पास पहुंचने वाला था जो कि मैंने पहले इस जगह के बारे में सुन रखा था, तो मैंने अपने गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज कर ली जिससे मैं जल्दी से उस जगह को पार कर सकूं। सुनसान सड़क, अंधेरी रात और चारों तरफ सन्नाटा। मैं करीब 70 के स्पीड में रहा हूंगा तभी अचानक से मेरे गाड़ी के सामने से एक कुत्ता रोड क्रॉस करता है। कुत्ते के अचानक सामने आने की वजह से मेरा थोड़ा बैलेंस बिगड़ता है, पर मैं संभल जाता हूं और फिर उसी रफ्तार से मैं आगे बढ़ने लगता हूं। लेकिन ठीक उसी जगह जहां एक्सीडेंट होते हैं पहुंचने पर अचानक से मेरी गाड़ी बंद हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा है। सड़क पर मेरे अलावा कोई नहीं दिख रहा। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं। मुझे उस टाइम थोड़ा डर लगता है। गाड़ी बंद होने के बाद तुरंत मैं अपने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं, पर अचानक से मेरे गाड़ी का पावर बटन काम करना बंद कर देता है। उसके बाद मैं किक मारता हूं। करीब 10 से 12 किक मारने के बाद मेरी गाड़ी स्टार्ट होती है और मैं तुरंत अपनी गाड़ी को भगाता हूं। मैं करीब 100 मीटर ही आगे बढ़ा हूंगा कि मेरे गाड़ी की हेडलाइट अचानक से बंद हो जाती है। अचानक से अंधेरा हो जाने के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है और मैं गाड़ी को वहीं रोक देता हूं। तभी मुझे किसी के मेरी तरफ दौड़ते हुए आने की आवाज सुनाई देती है। मैं जल्दी से मोबाइल निकालने के लिए अपना हाथ अपने पॉकेट में डालता हूं और तभी अचानक से कोई मुझे बहुत तेज टक्कर मारता है और मैं वहीं गिरकर बेहोश हो जाता हूं। जब मेरी आंख खुलती है तब मैं खुद को हॉस्पिटल में पाता हूं। उन भाई साहब की सारी बातें सुनने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने वहां किसी को देखा, और उनका उत्तर था कि अंधेरे के कारण मैंने वहां किसी को देखा तो नहीं, पर वहां किसी को महसूस जरूर किया। कहते हैं दुनिया में कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती, पर कुछ ऐसी ही जगहों पर हमें ऐसी चीजें महसूस जरूर होती हैं। रही बात उस मार्ग की, तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं दुनिया में जो हमें हमारी मंजिल पर नहीं बल्कि हमें ऐसी जगह ले जाते हैं जहां हम कभी नहीं जाना चाहते हैं।